Preview. हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आज का प्रोजेक्ट हमारा है प्रिडिक्शन फॉर द चेंज इन जॉब। बेसिकली हम इससे मालूम करेंगे कि किस एक एचआर का डेटा सेट लेंगे, उसके ज़रिए हम मालूम करेंगे कि किस टाइप के लोग किस एजुकेशन लेवल के, किस एज के, किस जेंडर के लोग जो हैं ज़्यादातर जॉब चेंज करते हैं या रहते हैं, ये सब प्रिडिक्ट करेंगे हम। तो हमारा बेसिकली सबसे पहले गोल ये है कि द गोल इज़ टू बी चूज ऑफ दिस एप्लीकेंट डेट रियली नीड टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरिंग टू प्रिपेयरिंग और लुकिंग फॉर न्यू बिजनेस एंड मेक ह्यूमन लेजिटिमेट बिट्स ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले जो है हम लाइब्रेरीज की बात कर लेते हैं। तो हम स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरीज हैं वो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि पांडास का एलियास यूज़ कर रहे हैं पीडी। हमें कहीं पर भी पांडास यूज़ करना होगा उसकी जगह हम पीडी लिख देंगे, ये एलियास है। एस करके कुछ भी अगर हम लिखें किसी भी चीज़ में तो वो एलियास बन जाता है उसका। तो इसी तरह हम नंपाई यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है प्लॉटिंग ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉट, लिख के मैटप्लॉट डिप डॉट पी प्लॉट, और सीबोन की लाइब्रेरी है प्लॉटली डॉट सब प्लॉट है, प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट है, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस कलेक्शन, और कलेक्शन से हम इम्पोर्ट काउंटर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पैकेजेस की तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट कॉपी कर रहे हैं। अब आपके सवाल ये आएगा जहन में कि कॉपी इम्पोर्ट से क्या है प्रिडिक्शन में। बेसिकली हम कभी भी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट जो है ओरिजिनल डेटा सेट पर नहीं करते, अपने ओरिजिनल डेटा सेट को कभी ख़राब नहीं करते। तो हमेशा हम अपने डेटा सेट की कॉपी बनाएंगे, फिर उसमें जो है अमेंडमेंट या जो भी चेंजेस करेंगे वो सब उसमें करेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल डेटा सेट कभी डिस्टर्ब ना हो। तो हम कॉपी बनाएंगे इम्पोर्ट कॉपी करके, अपने डेटा सेट के जो है कॉपी बनाएंगे और जो भी चेंजेस करने होंगे, जो भी प्रिडिक्शन के लिए कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करनी होंगी वो कॉपी जो हमने बनाया होगा डेटा सेट को उस पर करेंगे। फिर फ्रॉम कलेक्शन से इम्पोर्ट डिफॉल्ट डिक करेंगे, ये भी हम नीचे चल के आपको बताएंगे। और एसक्यूएल एंड प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उससे इम्पोर्ट लेबल इनकोडर कर रहे हैं, ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फीचर सिलेक्शन है, एसक्यूएल एंड फीचर सिलेक्शन दोनों से इम्पोर्ट हम करेंगे सिलेक्ट के बेस्ट और एफ क्लासेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मॉडल को ट्रेन कराने के लिए हम एसक्यूएल से सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद इमलर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग से इम्पोर्ट करेंगे स्मूथ, उसके बाद फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एग्जाम्पल से इम्पोर्ट करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसी तरह एसक्यूएल ट्री से करेंगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर, एसक्यूएल डॉट नेबर से करेंगे इम्पोर्ट के नेबर क्लासीफायर। ये जो तीन हमने इम्पोर्ट किए हैं रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री के नेबर क्लासीफायर, बेसिकली ये जो है प्रिडिक्ट करके देंगे एक्यूरेसी या जो भी इसमें रिजल्ट आएगा वो बताएंगे ये हमें कि कौन सा जो है ये जो है हमें रिजल्ट देगा अच्छा। उसके बाद हम करेंगे एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से इम्पोर्ट ऑल स्टेरिक, बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं जो भी स्टेरिक यूज़ करने का हमेशा ये मकसद होता है जो भी इसके अंदर होगा, जो कुछ भी इनके अंदर होगा वो सब चीज़ें आ जाएंगी उठ के। फिर इम्पोर्ट वार्निंग्स करेंगे, फिर वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग, इसको इग्नोर कर देंगे फिलहाल, तो अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट डेटा करेंगे एंड लुक एट ओ डी एफ वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम पी डी ये पांडास का पी डी है जैसा कि मैंने ऊपर बताया था वीडियो में, ये पी डी डॉट रीड सी एस सी एच आर डेटा सी एस सी, ये डेटा सेट का नेम है और डेटा सेट को हमने सी एस सी फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। आप एक्सेल शीट का भी डेटा उठा सकते हैं मगर हमने सी एस सी फाइल में कन्वर्ट करके सी एस सी डेटा उठा रहे हैं क्योंकि सी एस सी डेटा जो है ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी चीज़ के पाइथन में यूज़ करने के लिए एज़ कम्पेयर टू एक्सेल
चीट को, ये सही रहता है कि df डॉट हेड। वैसे कि df डॉट हेड जब हम करते हैं तो ये हमें शुरू की फर्स्ट 5 रो प्रिंट कर देगा। अगर हम इसकी जगह df डॉट टेल कर दें तो ये हमें एंड की 5 बताएगा। हम आप करके भी दिखा सकते हैं आपको, ये एंड की इसने 5 बता दी है। अगर हम इसके अंदर लिख दें 3 तो ये देखें, अब ये सिर्फ एंड की 3 बता रहा है। अब हम इसको वापस हेड कर देते हैं हेड, और हेड को 3 देखते हैं हेड करते हैं। ये 0 1 2 3 आ गया हेड। तो ये काम है इसका हेड और टेल का। उसके बाद हम जाते हैं डेटा शेप में, df डॉट डेटा शेप। उससे हमें पता चलता है कि हमारे डेटा सेट में कितनी रोज एंड कितनी कॉलम है। इस डेटा सेट में 19,158 रोज एंड 14 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं डेटा कंटेंट्स पे। इसके अंदर जो फीचर्स हैं ये सारे डिस्कस किए हुए हमने, मैं एक एक को नहीं बताऊंगा, बस एक अब देख लें ये जो हैं ये सारे फीचर्स हैं और हमने ये टारगेट करना है। ये इसमें है एनरोल आईडी, सिटी, जेंडर, रेलिवेंट एनरोल, एजुकेशन, मेजर डिसेबिलिटी, सारी चीज़ें हैं हमारे डेटा सेट में। उसके बाद जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ETA। बेसिकली हम सबसे पहले हम करेंगे काउंट एंड डेटा टाइप फॉर ईच कॉलम। और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, df डॉट इन्फो। इन्फो बेसिकली फंक्शन है जो हमें पूरे डेटा सेट की जो है कंप्लीट डिटेल बता देता है। ये देखिए ये बता रहा है कि हमारे पास 13 कॉलम है, 14 कॉलम है, 0 से शुरू हो रहे हैं 14 कॉलम है, और इसमें नॉन नल वैल्यूज ये हैं और काउंट इसका ये डेटा टाइप इसकी ये हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और टोटल ये देखें, ये पूरा ऊपर लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे देखें, ये देखें पूरा इसने कंप्लीट बता दिया। उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में df डॉट डिस्क्राइब। ये हमें डिस्क्राइब करके बता रहा है न्यूमेरिकल डेटा, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड मीन, 25, 50, 75%, मैक्स, ये सब उसने बता दिया। उसके बाद जो है यूनिक वैल्यू इन लास्ट न्यू जॉब जाते हैं, df डॉट लास्ट न्यू जॉब डॉट यूनिक। बेसिकली ये लास्ट न्यू जॉब जो है हमारा कॉलम है उससे हम यूनिक नहीं फाइंड कर रहे हैं, यूनिक हमने ये फाइंड कर लिया और इसकी डेटा टाइप भी जो है आ गई, डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमने काउंट करना है, जो यूनिक वैल्यू है उनको काउंट करना है। df डॉट लास्ट न्यू जॉब जॉब वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट काउंट, ये फंक्शन यूज़ करके हम जो है इसको काउंट करेंगे। जब काउंट करेंगे तो ये बता रहे हैं कि ये सारी इसमें डिटेल दे दी कि 1 जो है इतनी है, ग्रेटर देन 4 इतनी है, नेवर इतनी है, 4 3 ये सब इतनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रिपेयर द डेटा, डेटा प्रोसेसिंग अननेसेसरी कॉलम। तो कोई भी अगर हम डेटा सेट उठाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि अननेसेसरी डेटा कौन सा है, कौन कौन से कॉलम है जो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी यूज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है। अभी हम अगर मैं हमारे जो डेटा सेट में जो है वो सारे ही इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि हमने हर चीज़ को देखते हुए प्रेडिक्ट करना है, सिवाय एनरोल आईडी के। एनरोल आईडी का कोई काम नहीं क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, 0 1 2 3 ये बिल्कुल ये डेटा सेट को ख़राब करेगा प्रिडिक्ट करने में, ये हर्डल आ सकती है इसकी वजह से। जब तक हम डेटा को सबसे पहले विजुलाइजेशन के लें या क्लीन नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। अब कोई भी चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे कभी शीशा लगा हो आपकी दीवार पे और वो थोड़ा सा गंदा हो रहा हो तो आप उसमें सही से अपनी शक्ल नहीं देख सकते। इसकी मिसाल ऐसे, जब हम शीशा साफ़ कर देंगे तो हमें पूरी शक्ल नज़र आएगी, फिर हम बताएं हमें जो जो फेस पे लगाना होगा या कुछ भी करना होगा तो हम आराम से कर सकेंगे। तो इसी तरह ये भी है, ये डेटा सेट को जब हम क्लीन कर देंगे फिर ये चमक के सामने आएगा। उसके बाद जो है फिर हम उस पर चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमें करनी होगी, ये उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है कि df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप के फंक्शन यूज़ करेंगे, ये जो है ड्रॉप करने के काम आता है। एनरोल आईडी को ड्रॉप कर देंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। बेसिकली ये इसलिए यूज़ करते हैं ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कि ये परमानेंट डिलीट करने के लिए काम आता है, क्योंकि अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे हम फिर से df को कॉल कराएंगे, मतलब डेटा सेट को कॉल कराएंगे तो वो एनरोल आईडी को शामिल कर लेगा। मगर अब हमने जब इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया, अब अगर हम वो df को कॉल कराएंगे तो वो जो है इन रोल आईडी को कॉल नहीं करेगा, वो बोलेगा ये ड्रॉप हो चुकी है। डील विद नैन वैल्यूज़,
एंड इन कोड कैटेगोरियल फीचर्स। सबसे पहले जो है हम डी एफ डॉट इथनल डॉट सम करेंगे। डी एफ वही वेरिएबल है जो हमारा ऊपर चला आ रहा है। इज नल का फंक्शन जो है इज नल जितनी भी नल वैल्यूज होंगी उनको देखेगा, फाइंड करेगा, और जो डॉट सम है वो जितनी भी नल वैल्यूज होंगी उनको सम करके सम कर देगा। फिर ये जो है सम हो के ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। सिटी में ज़ीरो हैं, ज़ीरो वैल्यूज जो हैं नल हैं सिटी के कॉलम में। इसी तरह सिटी डेवलपमेंट भी ज़ीरो है। अब जेंडर देखें 4508, मतलब ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नैन वैल्यू है, नैन वैल्यू है। तो इसी तरह आप देखें एक्सपीरियंस है 65 एम्प्टी हैं, लास्ट न्यू जॉब है 423, मिसिंग वैल्यूज हैं, और डेटा टाइप इंट है इन सब की। तो ये सब जो है हमें जब कोई भी काम कर रहे हो तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। फिर हम चले जाते हैं प्रिपेयर द डेटा फॉर लैम्डा एंड इनकोड। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे डी एफ डॉट वन के नाम से ले लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, डी डबल एफ कर लें। उसके बाद जो है कॉपी, हम ऊपर हमने बताया था ना कि इम्पोर्ट कॉपी करेंगे, तो अब यहाँ पे हम वो यूज़ कर रहे हैं कॉपी को, कॉपी डॉट डी डॉट डीप कॉपी डॉट डी एफ। ये डी एफ की जो है हमने डीप कॉपी बनानी है। डी एफ के अंदर जो हमारा डेटा सेट का कम वो ओरिजिनल डेटा सेट था वो डी एफ में था, अब डी एफ वन में जो है कॉपी बन जाएगी। फिर कॉलम कॉल्स का वेरिएबल लेके एक कॉलम डाल दी हमने, सिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग आर टारगेट। फिर हमने ये लूप चला के जो है इसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करा दिया। फिर हमने जो है लेबल इन कोड यूज टू ट्रांसफॉर्म नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स टू न्यूमेरिकल लेबल्स। ये क्या काम करेगा, डिफॉल्ट डिक भी हमने ऊपर देखा था, हमने कहा था कि आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये आ गया, डिफॉल्ट डिक भी आ गया और लेबल इनकोडर भी आ गया। हमने डी के नाम से एक वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है डिफॉल्ट डिक के अंदर हमने जो है डिफॉल्ट डिक्शनरी, डिक मीन्स डिक्शनरी, डिफॉल्ट डिक्शनरी के अंदर लेबल इनकोडर को लिया। बेसिकली ये जो काम कर रहा ना यहाँ पे जितनी भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज वो जो इसमें न्यूमेरिक चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती, या इंटीजर कह सकते हैं हम 0, 1, 2, 3 या 0.0, 1.1, ये सारी होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कोई भी एट द रेट है, स्पेशल करेक्टर होते हैं, ये सारे जो है नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज में आते हैं। तो ये जो है पूरी जितने भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल लेवल्स में। ये करने के बाद हम जो है डी एफ वन कॉल इक्वल टू डी एफ डॉट कॉल कर देंगे, मतलब ये हमने देखा था ना कॉल, तो इसका जो ओरिजिनल कॉलम थे उसको डी एफ वन में ले लेंगे। फिर डी एफ इक्वल टू डी एफ वन डॉट कॉपी, डी एफ वन डॉट कॉपी जो है ले लेंगे। फिर अब जब देखें डी एफ वन डी एफ डॉट हेड कर रहे हैं, अब ये देखें, अब हमने ऊपर जब डी एफ डॉट हेड किया था तो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सब आ रही हुई, अब हमने यहाँ पे जो है इन सबको नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल कर दी। अब नीचे देखते हैं हम कि ये कहाँ क्या हुआ, ये देख रहे हैं सिटी 5, ये सारे नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें सिटी 5 होती है नहीं होती है, हमने ऊपर सिटी देखा था क्या थी कि वो सिटी का कोई भी नेम होगा कुछ भी होगा, अब उसने जो है ना जितने भी नाम थे उनको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में चेंज कर दिया। क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमने इसलिए चेंज किया है, किसी भी डेटा सेट को अगर हमने प्रेडिक्ट करवाना हो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, मगर सबसे अच्छा रिजल्ट जो है नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का आता है, क्योंकि इन कंप्यूटर जो है हमारा नॉन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे चलता है, 0, 1 बाइनरी नंबर पे चलता है, मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है अच्छे से हमारा जो सिस्टम है, तो वो एक अच्छी प्रिडिक्शन करके रिजल्ट दे सकते हैं। फिर हम डी एफ डॉट चेक करते हैं, अब डी एफ डॉट चेक किया तो यहाँ पे 13 आ गया, कॉलम जो है 13 आ गया, रोज वही है 13 जो आ गया, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको बताया था कि हम इनरोल आईडी को ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारे डेटा सेट को ख़राब कर रही है वो चीज़, तो हमें प्रिडिक्ट करने में मुश्किल फेस आएंगी, इसलिए हमने जो है उसको ड्रॉप कर दिया। फिर हमने दोबारा से जब डी एफ डॉट इजनल डॉट सम किया तो ये देखें, देखें सारी जितने भी वैल्यूज थी नल वैल्यूज उसको इसने
फिल करके अब यहाँ पे देखें, बस जीरो शो करा रहा है, तो सब वैल्यूज जो है फिल हो गई हैं। फीचर सिलेक्शन सबसे उसके, अब जो है इसमें कोर रिलेशन आ गया, डी एफ डॉट कोर, कोर बेसिकली कोर रिलेशन बनाने के काम आता है। आप फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सिटी है, पहला कॉलम, उसको हर कॉलम के साथ चेक वेरी वो रिलेशन बनाएगा। अब ये देखें, इसमें सिटी का जेंडर के साथ भी बन रहा है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, इनरोल आईडी, एजुकेशन, डिसिप्लिन एक्सपीरियंस, कंपनी साइज, और उसके बाद जो है कंपनी टाइप, जितने भी कॉलम थे उन सब के साथ जो है इसका कोर रिलेशन बन रहा है। और इसी तरह हर कॉलम का जो है हर कॉलम के साथ रिलेशन बनाएगा। रिलेशन बनाने के बाद ये रिजल्ट मतलब लिख रहा है। उसके बाद हम चलते हैं हीट मैप पे। यहाँ पे हम हीट मैप जनरेट करेंगे इसी को रिलेशन का, प्लॉटली कोड टू मे का हीट मैप, सही है। उसके बाद सबसे पहले हम दो एक वेरिएबल लेंगे, एक्स ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, मगर ऊपर प्रीवियस वो वेरिएबल यूज ना हुआ। सबसे पहले मैंने एक्स लिया, उसके अंदर लिस्ट डी एफ डॉट कोरिलेशन डॉट कॉलम, जितने भी कॉलम है डी एफ के अंदर, डी एफ को कोरिलेशन बनाओ और कॉलम लेके, सही है। उसके बाद इसी तरह वाई लिया, इसके अंदर लिस्ट डॉट कोर डॉट इंडेक्स, इंडेक्सिंग मतलब ले ली, इसमें जितने भी इंडेक्स हैं, वाई के अंदर इंडेक्सिंग आ गई है और एक्स के अंदर कॉलम आ गए। वैल्यू इज इक्वल टू एन पी, वैल्यू का वेरिएबल है, एन पी नंपाई, एन पी एहतियात किया था हमने नंपाई को, एन पी से ये नंपाई डॉट एरे, एरे ले लिया, डॉट एरे जो है एरे, एरे का फंक्शन है ये, और एरे के फंक्शन में हमने जो है डी एफ डॉट कोर कोर रिलेशन ले लिया, डॉट वैल्यू, जितनी भी वैल्यू थी उसके उसको एक एरे में ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो है फिक्स का वेरिएबल लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, गो डॉट फिगर, डेटा इज इक्वल टू गो डॉट हीट मैप, ये सब फंक्शन है, हीट मैप बनाने के काम आएगा, और फिगर जो भी फंक्शन है, ये पिक्चर फिगर जो बन गई है ये काम आएगी। और इसके अंदर जो है जेड इज इक्वल टू वैल्यू ले लिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर हम वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू भी ले सकते थे, हमने जेड ले लिया क्योंकि एक अल्फाबेट छोटा, जितने छोटा से छोटा होगा वो सही रहेगा। अब ये देखें, यहाँ पर हमने एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया, वाई इक्वल टू वाई ले लिया, यही जो अल्फाबेट थे इनको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल टू करके यहाँ पर ले लिया हमने, और ओवर गैप इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। फिगर डॉट अपडेट लेआउट, ये भी फंक्शन है, अब इसके अंदर टाइटल दे देंगे, टेक्स्ट जो है कोरिलेशन बिटवीन फीचर दे दिए, या हम आपको हीट मैप दिखा भी देते हैं साथ साथ ताकि आपको समझ आता रहे, हमने जो टेक्स्ट दिया कोरिलेशन बिटवीन फीचर दे दिया, ये देखेंगे आ गया कोरिलेशन बिटवीन फीचर। उसके बाद जो है एक्स 0.9 दे दिया, ओ वाई सॉरी वाई 0.9 दे दिया वाई की वैल्यू, और एक्स की 0.5 दे दी। 0.5 और 0.9 क्या करता है ये करता है, ये वैल्यू जो है हमने बता दी है, साइज बता दी है 0.9 और 0.5, और सेंटर जो है सेंटर हमने सेंटर दिए, जो भी जो है सेंटर में आएगा, ये सेंटर में चल रहा है, ये सेंटर दिया हमने, और ये वाई एक्स एंकर और वाई एंकर, वाई एंकर टॉप टॉप से शुरू होगा वाई, वो ये बता रहे हैं, ये देखें टॉप पे जा रहा है वाई, और एक्स का सेंटर है ये फिक डॉट शो। अब हमने जब शो करा दी, जब शो कराएंगे तो वो इस तरह हमें शो करा देगा ये पूरा जो है, एक एक कॉलम, टारगेट टारगेट, ट्रेनिंगर ट्रेनिंगर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कंप्लीट उसने जो है कोरिलेशन का फिगर बना, हीट मैप बना दी। फिर हमने दोबारा से डीएफ डॉट हेड लेके उसके अंदर फाइव ट्रेन करा दिए। अब जो है हम इसका पेयर प्लॉटिंग बनाएंगे हीट मैप का, सॉरी कोरिलेशन का। अब एसएनएस क्या है, एसएनएस सी बोन का एलियास है, एलियास आपको मैं बता चुका पहले भी दो दफ़ा, दोबारा बता देता हूँ, एलियास से जो है किसी भी चीज़ को छोट वर्ड में करना हो तो एलियास मीन्स ए एस लिख के उसको कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे दें या कुछ भी दे दें, तो स्टैंडर्ड जो है एसएनएस यूज़ होता है सी बोन के लिए। तो हमने एसएनएस ले लिया, डॉट पेयर प्लॉट, पेयर प्लॉट फंक्शन यूज़ किया, डेटा इज इक्वल टू डी एफ डॉट सैम्पल 100, ह्यू इक्वल टू टारगेट, ह्यू बेसिकली कलर करता है टारगेट को। हमारे पास
टारगेट के अंदर ना दो वैल्यू थे, 0 और 1। अगर इससे ज्यादा होती तो 2 से ज्यादा कलर करता वो। अब हमारे पास के अंदर सिर्फ 2 वैल्यू, तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें ब्लू और ऑरेंज यूज हो रहा है कलर। ये 0 है, 0 और 1 है। ब्लू जो है 0 है और ऑरेंज जो है 1 है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे होगा अभी, ये देखें ब्लू जो है 0 है। ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, मगर आप जूम करके बाद में देख ही सकते हैं। शायद यहाँ पे जूम हो जाए तो मैं करके दिखा दूँ। नहीं सही से नहीं हो रहा यहाँ पे, ये देखें फिर भी मगर थोड़ा बहुत हो गया। ब्लू जो है 0 है और ऑरेंज जो है 1 है। तो ये जो है अब ये कोरिलेशन बना रहे सीबोन ग्राफ के थ्रू, ग्राफ में बना रहा है ये कोरिलेशन। और ये इसने कंप्लीट रिलेशन का जो है, जैसे सिटी है सबसे पहले, सिटी का सबके साथ जो कोरिलेशन बनाया उसको कलर में बता दिया 0 और 1। जो टारगेट जिसको हमने टारगेट किया था वो करके बता दिया इसने। इसी तरह हर कॉलम के जो है इसने बना दिया, 13 कॉलम का कंप्लीट बना हुआ है ये। 10 फीचर्स हैं इसके अंदर सिटी, ये सारे जो हैं ये 10 फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है सिलेक्टिंग टॉप 10 फीचर फ्रॉम द डेटा, यूज के इक्वल टू 10 आर द बेस्ट नंबर डेट फिट टू माय मॉडल्स। ये हम के इक्वल टू 10 इसलिए ले रहे हैं कि के की वैल्यू 3 होती है, 3, 5, 10 जो बेस्ट होती है। मगर किसी भी मॉडल को ट्रेन कराने के लिए सबसे बेस्ट वैल्यू जो है के की वैल्यू 10 होती है। ये एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। पी का वेरिएबल लेंगे इसके अंदर, सिलेक्ट के बेस्ट स्कोर फंक्शन इक्वल टू एफ क्लास, ये सब लिख के फिर इसी तरह फिट का वेरिएबल लेके इसमें ये सारा df डॉट ड्रॉप कॉलम टारगेट df टारगेट कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद फीचर्स का वेरिएबल लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं। फिट डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ड्रॉप डॉट कॉलम df डॉट ड्रॉप कॉलम टारगेट प्रिंट फीचर्स और ये कॉलन 5, कॉलन कॉलन से लेके 5 तक चलेगा, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 0 से 5 तक चलेगा, सही है। और आगे जितने भी होंगे वहाँ तक चलेगा ये। इसका एंड जो है एंड तक ही चलेगा, कोई हमें लिमिट नहीं देगी, जितना एंड होगा वहाँ तक चलेगा। फिर df डॉट हेड ये कर दें हमने, अगर हम यहाँ पर 4 कर दें तो देखें ये इस तरह हो जाएगा, रख दे देगा, हमें 5 ही करना होगा। सॉरी ऊपर की वैल्यू एक्चुअली रन नहीं हुई है तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसके बाद जो है स्प्लिटिंग द डेटा, अब हम जो है डेटा को स्प्लिट करने लगे हैं। एक्स के अंदर तमाम वेरिएबल कॉलम के नेम डाल देंगे जितने भी डेटा सेट में होंगे। उसके बाद जो है वाई के अंदर टारगेट को डाल देंगे df से उठा के, मतलब डेटा सेट को जो हमने df में लिया हुआ था df से उठा के टारगेट। अब हम डेटा को ट्रेन और टेस्ट करेंगे, x10 x test y10 y test इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ये भी फंक्शन है वैसे तो। फिर x, y टेस्ट इक्वल टू 0.2 साइज दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, और रेंडम स्टेट 15 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप। 100 के अंदर कोई सी भी रेंडम स्टेट दे रहे हैं, 42 दे रहे हैं, 42 एक स्टैंडर्ड सा स्टैंडर्ड है, बस ये दे रहे हैं। इसके बाद अप्लाइंग मॉडल कर देंगे, रेंडम फॉरेस्ट को अप्लाई करेंगे, RFC रेडिकल टू रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर RFC डॉट फिट x10 y10। अब इसको जो है ट्रेनिंग के लिए रेंडम फॉरेस्ट अप्लाई कर दिया। उसके बाद प्रिडिक्ट के लिए प्रिडिक्ट का वेरिएबल प्रिड ले लेंगे, वेरिएबल लिया RFC डॉट प्रिडिक्ट, ये फंक्शन है RFC, ये इसमें रेंडम फॉरेस्ट को हमने जो है फिट किया था। और एक्स टेस्ट का अभी टेस्ट किया ही है हमने, ये टेस्ट का रिजल्ट आया है एरे के अंदर। अब RFC रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने समझने के लिए RFC लिख दिया। फिर एक ऐसी स्कोर y test, prid का ये वेरिएबल जो है ये वाला है प्रिडिक्शन वाला, इसके अंदर डाल दिया। अब प्रिंट जो है द एक्यूरेसी स्कोर यूजिंग द रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और RFC, ये वेरिएबल जो है एक्यूरेसी का उठा लिया। उसके बाद जो है
प्रिंट करा देंगे इसको, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बाय टेस्ट कॉमा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के लिए हमने प्रिट का वेरिएबल लिया, उसके बाद जो है जब इसको प्रिंट करा देंगे तो ये प्रिसीशन रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है हम टारगेट करें ऐसा, द टारगेट फीचर इज क्लियरली इम्बेलेंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट हैज अ लॉट मोर सैंपल इन 0 देन इन 1। हम टारगेट क्लियरली इम्बेलेंस करेंगे उसके। अब जो हमारा टारगेट है बेसिकली, सबसे पहले SNS P1 को हमने एलियास से SNS में चेंज कर दिया था। डॉट काउंट प्लॉट DF टारगेट टारगेट ले लिया। अब हमने 0 और 1 को जब टारगेट किया तो 0 इतनी वैल्यूज है, 1 इतनी वैल्यूज है, इसको जो काउंट किया हमने काउंट प्लॉट के फंक्शन से। फिर स्मूथ इज इक्वल टू स्मूथ, रैंडम सेट इज इक्वल टू 50, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्मूथ डॉट फिट रीशेप फिट रीसैम्पल लेंगे, उसके बाद एक्स कॉमा वाई इसमें ले लेंगे। SNS डॉट काउंट प्लॉट वाई, फिर काउंट प्लॉट करेंगे वाई को तो ये 0 और 1 को काउंट करके बता देगा वाई में। उसके बाद फिर हम दोबारा जो है ट्रेन करेंगे एक्स ट्रेन एक्स ट्रेस वाई ट्रेन वाई ट्रेस, इसका दोबारा से ट्रेन कर रहे हैं। दोबारा से ट्रेन करने के बाद जो है ये हमने प्रिसीशन रिकॉल ये सब चीज़ आ गई है, वही चीज़ की है जो पहले की थी, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। उसके बाद अब डिसीजन ट्री के लिए, डिसीजन ट्री का करेंगे डी टी सी इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफाई डी टी सी फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ट्रेन करेंगे डिसीजन ट्री को। उसके बाद जो है प्रिडिक्शन के लिए वही सेम ऐसी वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर डी टी सी डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेस प्रिडिक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है डी टी सी डिसीजन ट्री, बेसिकली डी टी सी की शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी हुई डी टी सी वेरिएबल है ये, मगर हमने अपने समझने के लिए डी टी सी करके बता दिया। और एक्यूरेसी को हमने ए डबल सी कर दिया, एक्यूरेसी हमने फाइंड करनी है अब रिजल्ट। जो हमने रेंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी फाइंड की थी वो 0.8 आई थी, जो मैं आपको बताना भूल गया। जैसे द एक्यूरेसी स्कोर यूजिंग द रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर 0.8 है। डिसीजन ट्री की जो है हमारे पास आई है 0.77। उसके बाद प्रिंट कर दिया क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्शन, ये पूरी उसकी डिटेल आ गई है। प्रिसीशन रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट, उसके बाद जो है के नेवर क्लासीफायर जो है तीसरा वाला हमारे पास था वो, उसको अब जो है हम कैनन में ले लेंगे। कैनन वेरिएबल लिया, उसके अंदर कैनेवर क्लासीफायर लिया, उसके अंदर कैनेवर्स इक्वल टू 3 कैनन डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। और जब ये करेंगे उसके बाद फिर से अगेन प्रिट का वेरिएबल ले लेंगे, इसके अंदर कैनन डॉट प्रिट एक्स टेस्ट एक्स को टेस्ट करेंगे। और इसके अंदर भी जो कैनन एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए एक्यूरेसी स्कोर कैनन एक्यूरेसी का वेरिएबल ले लिया ये, उसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट कैनन डॉट प्रिट एक्स टेस्ट, उसके अंदर फिर प्रिंट करा देंगे कैनन डेट ACC। फिर इसका रिजल्ट जो आया है वो 0.788 है। और इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो ये है वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन वाई टेस्ट की और प्रिडिक्शन की, ये आइए। उसके बाद जो है कंपेयरिंग मॉडल एक्यूरेसी PD डॉट डेटा फ्रेम, ये सब जो है अब हम जो है इसकी प्लॉटिंग करने वाले हैं तीनों की, तीनों को जो रिजल्ट आया है उसको एक प्लॉट में लिखेंगे, एक प्लॉट में कर देंगे RFC को, RFC रैंडम फॉरेस्ट DTC डिसीजन ट्री और कैनन कैनेवर क्लासीफायर, तीनों मॉडल्स को जो है हम एक उसमें लिखने के लिए ये सब कोड लिखेंगे। ये टाइटल वगैरह टाइटल यूज़ करने के लिए ये इस तरह PLT डॉट टाइटल
ये सारा कुछ करेंगे। PLD वही प्लॉटिंग वाला जो हमने इम्पोर्ट किया था उसको एलियास करके PLD कर दिया था मैट प्लॉटलिप को, ऊपर मैं बता चुका हूँ ये सब। उसके बाद ये 0.8 RFC जो है अबव 0.8 है, DTC अप्रोक 0.8 है और KNNB अप्रोक 0.8 है। उसके बाद जो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। ये पूरा कोड जो हमने लिखा है इसके जरिए हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया। इसमें ट्रू नेगेटिव 40% आया, फॉल्स नेगेटिव 8.0 आया, ट्रू पॉजिटिव 41 आया और फॉल्स पॉजिटिव 9.26 आया। ये एक अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद डिसीजन ट्री का भी जो है हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं। इसमें 37 ट्रू नेगेटिव आया, टी एन मीन ट्रू नेगेटिव, और 10.13 जो है फॉल्स नेगेटिव, 13.86 ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव आया 12.39। उसके बाद जो है ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो है हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नेबर क्लासीफायर का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नेबर का जो है ट्रू नेगेटिव 33.60 है, फॉल्स नेगेटिव का है 4.75, फॉल्स पॉजिटिव का है 16.40 और ट्रू पॉजिटिव का 45। तीनों के कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी निकल आए। अब इसका फाइनली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। PLT डॉट फिगर फिक्स साइज 10,10, साइज हमने दे दिया, प्लॉट का हम चेंज भी कर सकते हैं। एक का वेरिएबल ले लिया PLT डॉट GCA, GCA का फंक्शन यूज़ करेंगे। AXE डॉट सेट टाइटल, टाइटल AXE के अंदर जो है सेट टाइटल कर देंगे रिसीव ऑपरेटिंग करेक्टर्स। साइज 15 दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं साइज अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता हो। RSC डिसिप्लिन के नाम से जो है RSC वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का हमने डाल दिया X10 X10 और AX=X, α=0.8। फिर डिसीजन ट्री का के लिए हमने ये ट्री डिस्प्ले कर दिया, PLD रोड कर्व और ये DTC का वेरिएबल यूज़ किया जो ऊपर हमने DTC यूज़ किया था हर जगह हमने डिसीजन ट्री के लिए, और रैंडम फॉरेस्ट के लिए NFC यूज़ किया था और KNN के लिए KNN क्लासीफायर के लिए KNN यूज़ किया था। तो ये देखें KNN डिस्प्ले के लिए हमने ये वेरिएबल यूज़ किया, इसके अंदर PLD रॉक कर्व KNN एक्सेट बायसेस AX=X, α=0.8 और नेम भी हमने यहाँ पे जब तीनों के लिख दिए। उसके बाद जो है ये जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर 0.90, डिसीजन ट्री 0.78, केनेबर 0.85। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं ये जा रहा है, रैंडम फॉरेस्ट का सबसे बेहतरीन रिजल्ट आया इन तीनों के मुकाबले में। उसके बाद जो डिसीजन केनेबर क्लासीफायर का है, उसके बाद जो है डिसीजन ट्री का, तीनों के जो है रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और ये कोड जो है बेसिकली डेटा प्रेप है जो हमें AI बेस्ड हमें रिपोर्ट जनरेट करके देता है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमें AI बेस्ड रिपोर्ट जनरेट कर देगा। थैंक यू वेरी मच।